भागलपुर में प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के तहत कोचिंग हॉस्टल और लॉज खोलने को लेकर कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की हुई बैठक। नमस्कार, मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आज भागलपुर में प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के तहत कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की बैठक बुलाई गई। बैठक का उद्देश्य 22/9/2018 सरकार की पात्रांक संख्या 175, 16/1586 के क्रम संख्या 07 के आलोक में था, जिसमें कोचिंग संस्थानों और छात्र के हॉस्टल और लॉज अगले आदेश तक बंद रखने के उद्देश्य पर हुई बैठक में विचार करना था। निजी संस्थान में 6 मार्च 2020 से ही आज तक बंद है। निजी संस्थान में सभी लोग स्वरोजगार से लगे हुए हैं। लोग जो अपना खुद का स्वरोजगार सृजित किए हुए हैं और उसमें बहुत सारे सहयोगी हैं जिन्हें संस्थान से रोजगार मिला हुआ है। पिछले 7 महीने से इससे सभी लोग बेरोजगार हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी और प्रशासनिक सहायता नहीं मिली है। सरकारी विद्यालय, देवालय और नेताओं के कार्यालय खुलने का आदेश मिल गया है, लेकिन निजी शिक्षण संस्थानों के साथ दोहरा मानदंड क्यों? बैठक के बाद निर्णय हुआ कि सरकार अपने आदेश में परिवर्तन करे, अन्यथा शिक्षकगण सड़क पर उतरेंगे और उद्घाटन, भूख हड़ताल या सांकेतिक सब्जी बिक्री, जूता पॉलिश कर सरकार के आदेश विरोध करेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव, अजीत कुमार अमन, राजेश कुमार, आर के झा, के सिंह, ललन कुमार और गण्यमान्य शिक्षकगण मौजूद थे। लेकिन 50% भागलपुर जो है वो शिक्षा पर डिपेंड करता है, चाहे वो चाय का दुकान हो या सब्जी का दुकान हो या ठेला वाला हो या जितना भी लॉज का है, वो सभी शिक्षा पर डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट रहते हैं तभी पेपर भी ज़्यादा बिकता है, सर्कुलेशन, तो मीडिया वाला भी कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से इफेक्टेड है, तो सभी लोग इफेक्टेड हैं। इस वजह से जो है क्विक इस पर एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो हम लोगों की भुखमरी की स्थिति हो गई है। और अब ये बताइए कि हम लोग जिंदा कैसे रहें। बिहार कोचिंग एसोसिएशन का एक संयुक्त बैठक किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि हम शिक्षकगण साथ मिलकर भागलपुर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमने दर्ज किया है, जिसमें पिछले 7 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें शिक्षकों का जो कार्य रहा है वो काफ़ी सराहनीय रहा है, लेकिन इस बीच उनको किसी भी प्रकार का कोई सैलरी, किसी प्रकार का सहयोग, किसी प्रकार की रोजगार जो नहीं मिला है, इससे शिक्षकगण भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। और पुनः सरकार ने जो कोचिंग को बंद रखने, प्राइवेट छात्रावास को या सभी प्रकार के छात्रावास को, जो 22 तारीख को हाई लेवल शिक्षा विभाग की मीटिंग में हम लोगों की तरफ कुछ फैसला आएगा कोचिंग एसोसिएशन की तरफ, लेकिन कुछ फैसला नहीं आया। सरकार को ये समझना चाहिए था कि ये लोग सेल्फ एम्प्लॉई हैं, ये लोग खुद सेल्फ एम्प्लॉई हैं और अपना काम धाम खुद करते हैं, बच्चे का भविष्य संभालते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर मजबूर होकर हम लोग क्या करें, 6 माह से हम लोगों का कोचिंग बंद है, लेकिन सरकार को चाहे भूत पालिश हो लेकिन सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर सरकार खुद मजबूर कर रही है। चूँकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का पालन अच्छे तरीके से करवाना जानते हैं, एक विद्वान का ग्रुप है, लोग सभी शिक्षक हैं, लेकिन सरकार हम लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इतनी भीड़, बस चला दिए, टेम्पू चला दिए, सब चीज़ चला दिए, होटल खोल दिए, मॉल खोल दिए, लेकिन फिर भी सरकार वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रही है, लोग मास्क लगा के नहीं चल रही है। लेकिन बिहार कोचिंग एसोसिएशन एवं प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज एक बैठक हुई सत्यमेव इंस्टीट्यूट में, और इस बात का व्यापक रूप से विरोध हुआ सभी बेरोजगार शिक्षित शिक्षकों के द्वारा कि बिहार सरकार के द्वारा जो ये आदेश निकाला गया है कि छात्रावास और कोचिंग एसोसिएशन को नहीं खोला जाएगा, इससे बेरोजगार शिक्षकों में, छात्रावास चलाने वाले लोगों में व्यापक निराशा छा रही है और इसका व्यापक विरोध हो रहा है। इससे केवल शिक्षकों के, विद्यार्थियों के या छात्रावास के जीवन का संबंध नहीं है। अगर जैसे शहर में
इस तरह का अर्थव्यवस्था जो है शिक्षा से कोचिंग से चलता है और इसको सरकार ने नज़रअंदाज किया। खुद शिक्षा सरकार की जो ये नीति बनी है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो अगर सरकारी छात्रावास नहीं खुलेगा, प्राइवेट छात्रावास नहीं खुलेगा, तो किस तरह से कैसे विद्यार्थी आएंगे और वो कैसे पढ़ेंगे? क्या केवल शहर के ही कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे या जो बिहार के दूसरे हिस्सों में भागलपुर के आसपास के हिस्सों से जो बच्चे आते हैं उनकी पढ़ाई नहीं होगी? तो यह सरकार ने या शासन के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। कृपया वो ध्यान दें और बच्चों के व्यापक भविष्य और शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए एक सही निर्णय लें, नहीं तो कोचिंग एसोसिएशन इसके लिए अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर।